क्या अमित शाह ने कैमरे के लिए कार्यकर्ता को हटा दिया? अमित शाह का ये वीडियो यही सवाल उठा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आदरणीय अमित शाह जी का अभिनंदन करें। देखिए, एक मंच में गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मौजूद थे। उनके स्वागत के लिए एक बहुत बड़ी माला उन्हें पहनाई गई। अमित शाह को माला पहनाए जाने के बाद पास खड़ा कैमरामैन फ्रेम बना ही रहा था, तभी एक ओर से एक कार्यकर्ता उस फ्रेम के बीच में आ गया और उसे हटाने के लिए अमित शाह ने कुछ इस तरह से झटक दिया। सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आदरणीय अमित शाह जी का अभिनंदन करें। कार्यकर्ता भी समझ गया कि वो मौजूदा सरकार में नंबर दो की हैसियत के नेता के फ्रेम में आकर अपनी शामत ही बुलाएगा, इसीलिए वो भी चुपचाप साइड हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आदरणीय अमित शाह जी का अभिनंदन करें। हालांकि रैलियों में अमित शाह की कैमरामैन को फ्रेम किधर बनाना है इसे लेकर इससे पहले भी कई वीडियोस वायरल हो चुकी हैं। ओ कैमरा महाशय, ईश्वर कर दो कैमरे को। ए सफेद कपड़ा, ओ ए टीवी वाले भाई, ए ईश्वर कर दो कैमरा, कैमरा ईश्वर कर दो तुम। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा, मोदी जी वाली बीमारी भाजपा में तेजी से फैल रही है, कैमरे के सामने कोई नहीं। वहीं पब्लिक ने भी मौज लेते हुए कहा, कैमरा जी। वहीं मयंक नाम का यूजर कहता है, दो नंबर के नेता को अपनी जमी तो बचानी है, अभी से लोग यूपी वाले नेता का नाम लेने लगे हैं फेंकू जी के बाद, इसीलिए महामानव के पद चिन्हों पर चलने में ही भलाई है। वहीं एक यूजर ने तो पीएम मोदी की पुरानी वीडियो फिर याद दिला दी, जिसमें वो कैमरे के आगे नारे लगा रहे हैं लेकिन फ्रेम के बीच एक सुरक्षाकर्मी के आते ही तुरंत उसे हटने के लिए कह रहे हैं। एक कार्यकर्ता को कैमरा फ्रेम के लिए अमित शाह ने जिस तरह से हटाया, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।